आदाब नमस्कार, परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज के मुख्य समाचार। गंगाखेड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक रत्नाकर गुट्टे ये आज ताड़कलश के दौरे पर आए हुए थे। वहां दौरा करते समय उन्होंने किसानों का जायज़ा लिया। इस समय कुछ मुस्लिम समाज के नागरिकों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर उन्हें यहाँ पर शादी खाना बनाने के लिए निवेदन पेश किया। अब देखते हैं विधायक रत्नाकर गुट्टे साहब ये मुस्लिम समाज के लिए यहाँ पर शादी खाना कितने दिन में बनाएंगे और कितना फंड देंगे। यहाँ पर शादी खाना होना ये ज़रूरी है, यहाँ की मुस्लिम आबादी देखकर यहाँ पर शादी खाना बनाया जाए, ऐसी मांग जो सामाजिक कर्ता और NGO ने जो निवेदन द्वारा की है, इस पर विधायक रत्नाकर गुट्टे कितने सच उतरते हैं ये आने वाला समय ही बताएगा। विधायक रत्नाकर गुट्टे को दिए गए शादी खाने के निवेदन पर मौलाना मसूद, नज़ीर पठान, वहाब कुरैशी, शेख अली आदि ने मिलकर ये निवेदन दिया। इस समय गणेश गाड़वे, वेंकटी पवार आदि हाजिर थे। अक्टूबर महीने में आए हुए त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने सतर्कता का इशारा देते हुए शांतता समितियों के बैठकें लेना शुरू कर दिए। शांतता समिति की बैठक आज जिंतूर में ली गई। इस समय पुलिस थाने में लिए गए शांतता समिति में PI घोरबांड के साथ व्यापारी, सामाजिक संगठनाएँ, NGO और राजकीय नेता भी इसमें शामिल थे। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इस समय लॉकडाउन का माहौल है और इस तरह लॉकडाउन के माहौल में हम त्योहारों को किस तरह मनाया जाए और अपने तालुक़े में कोरोना को मुक्त करते हुए, कोरोना से मुक्त होते हुए तालुक़े में जनता को शांतता के साथ अपने त्योहारों का, खुशी का माहौल किस तरह दिखाई दे, इसके तहत आज शांतता समिति की बैठक ली गई। तुम्हाला सगळ्याला तुमच्या मंडळाचा लोकांना चर्चा करायला टाइम घ्यावा लागत, त्याच्यामुळे आज आपण घेऊ शकणार नाही। तर आपण उद्या दुपारी 1 वाजता माऊली मंगळ कार्यालय ठेवू, आधी आपली मीटिंग घेऊ, आपलं जर फायनल झालं तर आपण साहेबांना बोलवू, साहेबांचा टाइम कशाला घ्यायचा, आणि आपण पॉझिटिव्ह राहू, एकच करण्याचा प्रयत्न करू। सगळेजण आपापल्या मंडळात या गोष्टीवर चर्चा करा, कसं करायचं, काय करायचं, आपापल्या कार्यकर्त्यांसोबत चर्चा करा। उद्या दुपारी 1 वाजता राईट या माऊली मंगळ कार्यालयावर आपण तिथे बसून फायनल करू। जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष पद पर मीनाज खादरी की नियुक्ति किए जाने के उपरांत आज सत्तार पटेल इनके दरगाह रोड स्थित काजी बाग इस निवास स्थान पर भव्य सत्कार का आयोजन किया गया। इस समय सत्कार के दौरान कांग्रेस युवा नेते इरफान मलिक, सेवादल शहर अध्यक्ष सज्जी अहमद खान, पत्रकार जियाउद्दीन BA, सरये जावेद खान पठान, कांग्रेस कार्यकर्ता एवं अशरफ खादरी पत्रकार, निहाल अंसारी, सैयद जफर, शेख यूनुस आदि के साथ भारी संख्या में इस समय वहां के नागरिक मौजूद थे। आने वाले नवरात्र महोत्सव, दशहरा और ईद मिलादुन्नबी को देखते हुए ताड़कलश में शांतता कमेटी की बैठक पुलिस थाने में ली गई। यहां के पुलिस निरीक्षक इन्होंने यहां के व्यापारियों को, NGO और सामाजिक संगठन, राजनीतिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी को बुलाकर शांतता समिति की बैठक ली और उसमें कुछ अपने निर्देश भी दिए, कुछ सूचनाएं भी ली और सूचनाओं के साथ साथ नागरिकों से राय मशवरा भी किया। इस समय उन्होंने बताए हुए बातों को हमारे संवाददाता ने आप तक पेश किए। आगामी नवरात्र उत्सव तसेच ईद मिला जे कहीं उत्सव साजरे होना है अनुषंगान पुलिस हद्दीमदे जे का सर्व समाज प्रतिनिधि है तैंती अपन सामाजिक स्वास्थ्य राखने शांतता कमिटी की बैठक यहाँ आयोजित के लिए होती। समाज के सर्व गटल प्रतिनिधि यठिका हजर होते, अपन आवाहन के लिए कि आतापर्यंत अपन COVID-19 लॉकडाउन के जे का नियम पालन पालन करूँ जे का अपन सण उत्सव सार्वजनिक ऐवजी वैयक्तिकरित्या घरगुती साजरे के लिए आगामी नवरात्रोत्सव व ईद मिलाद हे सण देखील आपल्याला सार्वजनिक ठिका रित्या साजरे न करता एक घरगुती स्वरूपामध्ये ते आपल्याला साजरे करायचे आहे, त्या अनुषंगाने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती। तसेच सोशल मीडियावर जे काही आक्षेपार्ह पोस्ट वगैरे केल्या जातात त्याचा
परिणाम आपल्या हातामध्ये होऊ नये, वाईट परिणाम होऊ नये यासाठी सर्वांनी दक्षता घेण्याबाबत सर्वांना सूचना दिलेली आहे। तसेच राष्ट्रीय पातळीवर किंवा राज्य पातळीवर जे काही दुर्दैवी घटना घडतात त्याचा प्रत्येकाने प्रत्येकजण निषेधच करत असतो, परंतु त्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी आपल्या इथं बेकायदा कुठलेही कृत्य होणार नाही यासाठी देखील आपण त्यांना सूचना केलेली आहे। आणि आतापर्यंत पोलिसांच्या हद्दीमध्ये जसं सगळ्या समाजाने सहकार्य केलेलं आहे तसंच सहकार्य करण्यासाठी त्यांना पुन्हा एकदा सांगण्यात आलेलं आहे आणि आशा आहे, खात्री आहे की यापुढे देखील असं सहकार्य आम्हाला राहील। कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार इनकी जिला नियोजन समिति सदस्य पद पर नियुक्ति की गई। इसके तहत उनका आज सत्कार सत्तार पटेल की ओर से किया गया। इस समय महाराष्ट्र कांग्रेस सेवा दल सचिव असलम खान, शेख शादुल्ला, निहाल अंसारी, सैयद अरशद, मूसा भाई आदि हाजिर थे। कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन लगा रहा। ये लॉकडाउन 6 महीने तक लगा रहा जिसके कारण व्यापारियों का कारोबार पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऐसे में किराए से लिए हुए दुकानदारों को अब उन 3 महीने का मुआवजा ना दे, ऐसी बात प्रधानमंत्री ने खुद आह्वान किया था कि नागरिकों ने 3 महीने का किराया जो घर में रहते हैं वो किराएदार और दुकानें जितने ली है उन दुकानदारों को भी 3 महीने का किराया ना लिया जाए। लेकिन कुछ दुकानदार के दुकान मालिक ये उनसे तगादा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें जो 3 महीने आपने 4 महीने जो दुकानें बंद रखी है उसका किराया अब तुरंत दिया जाए। अब दुकानदार की हालत ये हो चुकी है कि धीरे धीरे से जो लॉकडाउन खुल रहा है उसमें कहीं उनके आप कारोबार चढ़ रहे हैं, वो कारोबार से उनके घर में जो लग रहे इस्तेमाल की चीज़ें वही लाने में वो अभी परेशान है। अब इस दौरान में अगर से वो घर मालिक या दुकान मालिक को अगर से अपना किराया देता है तो उसको किराया देने के बाद उसके घर के लोग भूखे रहते हैं। ऐसी हालत देख कर दुकानदारों ने इस मुआवजे को धीरे धीरे फेरने की बात की, लेकिन कुछ दुकान मालिक उनसे इस बात को भी मानने को तैयार नहीं। इस पर जिला प्रशासन अपनी एक समिति बिठाते हुए यहाँ पर इन किराएदारों के बारे में इंसाफ करें ऐसी मांग ये किराएदार कर रहे हैं।